हेलो स्टूडेंट्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे two, four, इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी आप अपलोड कर रखी है अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत उसे जाके डाउनलोड कीजिए जिसमें मैं लेटेस्ट वीडियोस नोट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूं तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको कराता हूं एमसी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर फाइव अगर ये एमसीू क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा जिससे आप फटाफट पूरे सिलेबस को कम समय में रिवाइज कर सकेंगे तो लेट स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो ऑफ थ्री टू टू दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर एंड गिव हिम टू टेन शेयर इन दी प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी है तो अब जो हम जेड को शेयर दे रहे हैं वो टू बाई टेन दे रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड है हम सबका शेयर uh, निकाल लेंगे जेड का कितना है तीनों चारों ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जेड का जो शेयर है वो है फाइव बाय ट्वेंटी फाइव सेकेंड ऑप्शन में जो है शेयर है जेड का वो है टू बाय सेवन थर्ड ऑप्शन में जो जेड का शेयर है वो है फाइव बाय टेन और फोर्थ ऑप्शन में जो जेड का शेयर है वो है टू बाय फाइव तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें चाहिए वो चाहिए टू बाई टेन शेयर और टू बाय टेन शेयर अगर आप देखेंगे तो टू बाय टेन का मतलब होता है वन बाय फाइव तो आप देखिए वन बाय फाइव कहाँ पर आ रहा है वन बाय फाइव आ रहा है वो हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर वन के अंदर तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का ए ऑप्शन आइए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू शिव एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो फाइव इज तो टू थ्री दे एडमिट जिया एज अ पार्टनर एंड गिव हिम थ्री टेन शेयर इन प्रॉफिट दिस शेयर विल बी गिवन बाय वन फिफ्थ फ्रॉम शिव एंड वन टेंथ फ्रॉम मोहन तो आइए इसमें भी हम शॉर्टकट देखते हैं जो हमारा जिया का शेयर है हम तीनों चारों ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में जो जिया का शेयर है वो है थ्री बाय फोर्टीन थ्री बाय फोर्टीन यहां से आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में जिया का जो शेयर है वो है सिक्स बाय ट्वेल्व थर्ड ऑप्शन में जो जिया का शेयर है वो है ट्वेल्व बाय फोर्टी और फोर्थ ऑप्शन में जो जिया का शेयर है वो है थर्टी एट बाई एट्टी हमें चाहिए कि जिया का शेयर कितना होना चाहिए थ्री बाय टेन तो आप देखिए थ्री बाय टेन कोई ऑप्शन आ रहा है यस ऑप्शन नंबर सी आ रहा है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फोर के टेबल से तो ये आएगा थ्री बाय टेन तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी तो सेकेंड का आंसर हो गया सी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल आपको पता है जो भी प्रॉफिट और लॉस हम उसे ट्रांसफर करते हैं वो हम करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आदित्य एंड शिव आर पार्टनर इन अ फर्म कैपिटल है थ्री लैख एंड टू लैख नैना एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर वन फोर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म नेहा बॉट वन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड टू लैख फोर्टी थाउजेंड फॉर हर कैपिटल अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम गुडविल प्रीमियम हम कैसे निकालेंगे आप देखिए टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है जो गुडविल लेकर आ रही है वो लेकर आ रही है नैना यहाँ पर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड को हम बांटेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशो में यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमें दी नहीं हुई ओल्ड रेशो में बांटेंगे ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगी और ओल्ड रेशियो नहीं दी तो हम मानते हैं वन इज टू वन तो वन बाय टू में हम डिवाइड करेंगे इसको गुडविल को ये देखिए गुडविल को हम वन बाय टू में डिवाइड करेंगे जो कि आएगा सिक्सटी थाउजेंड तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सिक्सटी थाउजेंड कौन सा है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी

गुडविल ब्रॉड बाय इनकमिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है वह ओल्ड पार्टनर में हम बांटते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो में तो हमारा यहां पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वह करेक्ट ऑप्शन होगा एट का करेक्ट ऑप्शन होगा सी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ

और यहां पर आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो बतानी है आपको पता होगा कि जब हमें ओल्ड रेशियो दी है और नया पार्टनर का सिर्फ ऐसे लिखा है कि वन फिफ शेयर के लिए आ रहा है या वन फोर शेयर के लिए आ रहा है तो इन सारे केसेस में इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारी जो ओल्ड रेशो ही होती है यही हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशो होती है <coughs> तो यानी यहां पर हमारी जो ओल्ड रेशो है टू बाई थ्री टू इस ये हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगी यानी टेंथ का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ when a new partner is admitted balance in in balance in in journal reserve appearing sheet at स time of admission is credited to जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जनरल रिजर्व को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं तो ये कहां पर क्रेडिट होता है ये क्रेडिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो इलेवेंथ का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स सॉरी ऑल दी पार्टनर्स नहीं होगा यहां पर ऑप्शन होगा ओल्ड पार्टनर्स क्योंकि जो एडमिशन के टाइम अगर जनरल रिजर्व पड़ा होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है तो करेक्ट आंसर होगा सी आइए आगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में सीबीएसई 2020 थाउजेंड में आया भी हुआ है तो आइए ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को अनिता एंड बबीता वर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्री टू वन दे रखी है सविता एडमिटेड फॉर वन फिफ्ट शेयर इन प्रॉफिट सविता इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश अगर आपको पता है कोई भी पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं अब आपसे पूछ रहा है कि जनरल एंट्री बताइए गुडविल की जनरल एंट्री दी हुई है सविता डेबिट है अनीता क्रेडिट है और बबीता भी क्रेडिट है और इसे बांटा हुआ है आपको पता है जो गुडविल बढ़ती है इसे हम सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो 8000 थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड इसमें बटा है तो इसका मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो गई वन इज टू टू आपको क्या निकालना है यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनीता बबीता एंड सविता आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तो आइए कैसे करेंगे आपको पता है हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऐसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो यहां पर ओल्ड रेशियो देखें ओल्ड रेशियो हमारे पास अनीता की दी हुई है थ्री बाय फोर और बी यानी बबीता की दी हुई है हमारे पास वन बाय फोर अब इनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है सेक्रीफाइजिंग रेशियो आप देखेंगे तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है यानी का मतलब हुआ वन बाय थर्ड ये सेक्रीफाइस कर रहा है और टू बाय थर्ड बी सेक्रीफाइस कर रहा है यानी बबीता सेक्रीफाइस कर रही है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पर वन बाय थर्ड

आई होप कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे खुद ही मैं कैलकुलेशन को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा कैलकुलेशन आप खुद मैनेज कर लेंगे और बी का जो शेयर आ रहा है न्यू रेशियो वो आ रहा है by जो सी का शेयर है वो है by यहाँ पर हमें सबका बेस सेम चाहिए होता है सिक्सटी सिक्सटी तो इसको करने के लिए हमें ट्वेल्व से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तो ट्वेल्व बाय सिक्सटी तो ऑप्शन हुआ फोर्टी वन इज टू सेवन इज टू ट्वेल्व तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है फोर्टी वन इज टू सेवन इज टू ट्वेल्व तो ये आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ऑप्शन नंबर ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहे हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर कोई भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो ये हमारा नुकसान है एक्सपेंस है तो हम इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं तो क्या पूछ रहा है कि ये डेबिट होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में यस yes, इसे डेबिट किया जाता है क्रेडिट होती है नो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नो तो थर्टीन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी आपका फटाफट से एमसीक्यू क्वेश्चन रिवाइज हो रहे होंगे और एग्जाम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी बस आप इस वीडियो को ऑन करें और अपने फटाफट से एमसीक्यू क्वेश्चन रिवाइज करें बहुत ही कम समय में तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन

आपको ये क्वेश्चन दिया है हिडन गुडविल के टॉपिक में से हिडन गुडविल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा आइए कैसे निकालेंगे यहाँ पर गुडविल हम देखेंगे जो नया पार्टनर आ रहा है आर वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है उसका कितना शेयर है जो नया पार्टनर आ रहा है वो बीस हजार की कैपिटल लेकर आ रहा है फॉर वन थर्ड शेयर और हम क्या करेंगे इसकी रिवर्स कैलकुलेशन इसका रिवर्सल करके हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे और टोटल कैपिटल आ गई सिक्सटी थाउजेंड ऐसे ही हम क्या करेंगे पी और क्यू की इंडिविजुअल कैपिटल आपको दी है पी की 15 है क्यू की 15 है और जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी 20 है तीनों की कैपिटल है 50,000 अब हमने जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल, निकाली, और तीनों की कैपिटल को दोनों का जो डिफरेंस होगा बोलते हैं है, है? है, तो यहां पर हिडन गुडविल आ गई हमारे पास दस हजार रुपए तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारे पास दस हजार रुपए यानी ऑप्शन नंबर बी आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ वेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू जब नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो अमाउंट जो हम क्रेडिट करते हैं एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम क्रेडिट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन टू पार्टनर्स न्यू पार्टनर कब एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी तब तक हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते तो क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अगेन डिलीट हो गया क्योंकि ये टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट का है तो जो कि हमें नहीं पढ़ना आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट चेंज देन सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर ओल्ड जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज नहीं होती तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमारी क्या होगी यहाँ पर जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगी हमारी ओल्ड रेशो ही होगी क्योंकि अगर आपको बताया हुआ हम जो भी पीछे क्वेश्चन करा था उसमें भी हमने ऐसा ही करा था तो अगर ओल्ड रेशो में दी है ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो चेंज नहीं हो रही तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी क्या होगी ओल्ड रेशियो होगी तो ट्वेंटी का ऑप्शन होगा सी आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसी अगली ही कुछ और इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोज़ के साथ थैंक यू वेरी मच बाय